मलाइयों का टेस्ट कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। 30 रुपए का देखेगा दोस्त कितना ज्यादा दिया हुआ है। हाय गाइस, हम लोग देखिए आराम से जा रहे हैं, एकदम खड़ा होकर सब खड़े हैं और अपने अपने मशीन में जो है ना हमने के ऊपर चढ़ा दे रहा है, खींच ले रहा था, देख रहे हैं गाइस एकदम अपने से चढ़ा। हेलो दोस्तों, अभी हम और शाहिद और मोंटी बरवाड़ी रेलवे स्टेशन पे हैं और हमारी शुरुआत उत्तर प्रदेश की होने वाली है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग दरगाह आला हज़रत और देवा शरीफ हमारी मेन रहेगी। मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग देवा शरीफ और दरगाह आला हज़रत कैसे जाएं। तो हमारी पहली पार्ट में यही मैं कोशिश करूंगा, मैं यहां से बरेली पहुंचाऊंगा आपको, बरवाड़ी से बरेली तक बने रहे। गाइस अभी 2 बज रही है, अभी हम लोग डिहरी पहुंच चुके हैं पैसेंजर ट्रेन से, जो कि पहुंचे हम लोग यहां पे 11:45 पर, और हम लोग की ट्रेन जम्मू तवी थी जो कि 10:45 में थी और हम लोग की ट्रेन 1 घंटा लेट पहुँची, इसलिए हम लोग इंतज़ार करना पड़ रहा है दूसरी ट्रेन के लिए। तो गाइस अब आगे मुहाफिज भाई बताएंगे क्या बोलने वाले हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी थोड़ी सी जर्नी लंबी हो रही है और जो गाड़ी से मुझे हम लोगों ने बनारस का प्लान किया था वो गाड़ी थोड़ी डाइवर्टेड है और हमारे आगे स्टेशन एक गरवा रोड आती है, वहाँ पे काम चल रही है, इस वजह से हमारी ट्रेन डाइवर्ट होकर हम लोग को ये जर्नी मतलब डिहरी आना पड़ा और डिहरी आने के बाद पता चला कि हमारी ट्रेन भी छूट गई। तो अब हम लोग एक गंगा सतलज ट्रेन है जो 2:20 में है, वो ट्रेन नंबर 13307 है, उससे अब हम लोग बनारस जाएंगे और फिर हम बनारस से हमारी जैसे जर्नी थी मैं आपको बोला था, वादा किया मैं बरेली पहला पार्ट में कवर करूँगा, मैं बरेली पहुँचाऊँगा पहला पार्ट में आप लोगों को और मैं बताऊँगा कि बरेली एक बहुत अच्छा। सो दोस्तों, हम लोगों ने डिहरी ऑनसोन रेलवे स्टेशन 2 घंटे पूरे इंजॉय किया, अब हमारी ट्रेन अनाउंस हो चुकी है, बस आने वाली है। पहुँच गए वाराणसी स्टेशन पे, बहुत दिक्कत से हम लोग आए गाइस, खतरनाक तरीके से भीड़ भाड़ चल रहा है। ट्रेवल जितना भी आज तक नहीं किया था गाइस, कुछ मोंटी बोल रहा है, देखिए मुंह बांधा हुआ है, ठंड भी लग रही है जबरदस्त तरीके से। माफी भाई कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए माफी भाई। सिर्फ हो चुके हम लोग वाराणसी मतलब, और वाराणसी का आपको थोड़ा सा आप हमको पहचान नहीं रहे होंगे, लेकिन पहचान जाइएगा वो पूरा कर लेगा। पर शाहिद, हाउ डू यू फील नाउ? हाय गाइस, बहुत मजा है 8 दिन का सफर करने में गाइस। अब मैं आपको आगे का सफर दिखाते चलता हूँ, बनाना चलता है इससे पहले, उसके बाद आगे मजा करते हैं। मोंटी, हाउ डू यू फील नाउ? सबसे पहला चीज कि मुझे एकदम ट्रेन में इतना मजा आया कि मत कहिए, ठीक है। और दूसरी चीज कि अब आगे जाके आपको मजार पे हम लोग दिखाते हैं कि क्या लगता है, कैसा लगता है। सो बोथ रिव्यू आर गुड। सो दोस्तों, अब हम लोग वाराणसी से बनारस की ओर प्रस्थान करेंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी जर्नी बहुत ही मतलब रात भर जगी हुई है और अभी करीब 5:30 हो रही है। अब हम लोग यहाँ से कुछ हल्का फुल्का नाश्ता उस्ता कर बनारस रेलवे स्टेशन जाएंगे और हमारी ट्रेन कल वहाँ से 13:30 में है, मतलब दोपहर के 1:30 है। आइए तब तक आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन की सैर कराता हूँ। हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर पे खड़े हैं, ये दोनों का देखिए फोटो खींच रहे हैं आप लोग। गाइस ये लोग शर्मा गए दोनों, अभी हम कैमरा चालू किए फोटो खींचना बंद कर देंगे। गाइस खींचे ना आप लोग फोटो, ठीक है गाइस आगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग प्राइवेट कैब बुक करके वाराणसी से बनारस जा रहे हैं।
और ये इसको बोलते हैं हम लोग बैटरी, इसको कैब ही बोलेंगे शायद ना शायद टोटो, अच्छा सॉरी टोटो। सो दोस्तों अभी हम लोग वाराणसी रेलवे स्टेशन से बनारस रेलवे स्टेशन जा रहे हैं प्राइवेट टोटो से, इसे ये बैटरी से चलती है और ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है बनारस रेलवे स्टेशन के लिए। यह कैंपस ऑफिस ऑफ डिविजनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, मतलब ये एक DRM ऑफिस है वाराणसी का। क्या खूबसूरत, करीब 20 मिनट टोटो की सफ़र कर कर हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां पर अभी सुबह की 6 बज रही, इसलिए वो धुंधला है। मैं पढ़कर बताता हूं, बनारस रेलवे स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और पीछे तो आप लाइटिंग से बनारस पढ़ ही रहे हो, और मैं आपको खिलाफ बताता चलूं कि वाराणसी रेलवे स्टेशन से बनारस रेलवे स्टेशन की जो बाई रोड जो चलती है टोटो टेम्पू, वो पर हेड 40 रुपये है। मतलब एक आदमी के पर हेड 40 रुपये लगते हैं, जैसे वो टोटो, ये टोटो चलती है, ये ऑटो चलती है, 40 रुपये लगती है। अब हम लोग थोड़े से रिटायरिंग रूम में जाकर आराम करेंगे और फिर हमारी जर्नी कल की रहेगी। गाइस हम लोग जा रहे हैं मलैया खाने, वही मलैया जो बनारस का सबसे फेमस मलैया है गाइस। खाने के बाद बहुत मज़ा आता है गाइस, सुनने में आया कि मुँह में डालिएगा ना तो खुल जाएगा मुँह में, पता ही नहीं चलेगा आप खाइबो किए तो कुछ। बहुत मज़ा आएगा गाइस खाने में, लोग ऐसे बताते हैं। अब आज खा के देखते हैं कैसा लगता है गाइस। गाइस आप बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस तुरंत क्यों दिखा रहा हूँ गाइस, पहुँचने वाला हूँ हम लोग गाइस। बनारस में और हम लोग मलाइयों का टेस्ट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। 30 रुपये का देखेगा दोस्त कितना ज़्यादा दिया हुआ है। और आप लोग भी ये लस्सी कॉर्नर आकर ये मलैया का लुक उठा सकते हैं। मोंटे कैसा लग रहा है बाबूटे? बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया, पूरा मज़ा आ रहा है। मुँह में डालने के बाद ऐसा लग रहा है गाइस कि गायब हो जा रहा है। मलैया वाला खाने में बहुत मज़ा आया, हम बहुत जल्दी जल्दी खा गए, जितना था हम फटाफट खा करके ख़त्म कर दिए। मोंटे भी जल्दी से खा गया, अब वहाँ पर धीरे धीरे खा रहा है। देखिए बहुत मज़ा आया, मुँह में डालने के बाद टेस्ट इतना अच्छा है ना कि जल्दी ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा ना। मुँह में डालने के बाद गायब हो जा रहा था, बहुत स्वादिष्ट लगा। गाइस आप भी आइए और खाइए और खूब मजा। गाइस हम लोग बनारस में खूब घूम रहे हैं, महमूदगंज भी पहुंच चुके हैं हम लोग का दोस्त। गाइस हम लोग का टाइम ट्रेन का था 1:30 पे, तो हम लोग आज पूरा सुबह उठने के सुबह हम लोग ट्रेन से उतरने के बाद और हम लोग जो घूम रहे हैं सो घूम रहे हैं और गए थे उनसे मिलने के लिए, जो मेरे मुफ्ती साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पर हम लोग ने सलाम पेश करके और वहाँ से निकले हैं गाइस। और साथ में मोंटी है और मुहाफिज भाई आगे बैठे हुए हैं, पूरा शहर का नज़ारा हम देखते हुए व्यू देखते हुए जा रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है गाइस। बहुत सारा चीज़ हम लोग को मिला घूम। हाय गाइस हम लोग देखिए आराम से जा रहे हैं, एकदम खड़ा होकर सब खड़े हैं और अपने अपने मशीन में जो है ना हमने के ऊपर चढ़ा दे रहा है, खींच ले रहा था, देख रहे गाइस एकदम अपने से चढ़ा दे रहा है गाइस एकदम ऊपर, देखिए हमने को चढ़ गए एकदम। हम लोग जा रहे हैं अपना फ़ोटो वोटो तिरवाएंगे दो चार को, फ़ोटो तिरवाए के बाद दोस्त फोटोइया डालेंगे ना फेसबुक पर, आप लोग देखिएगा ना, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन पे हैं और अभी की टाइम 1 बज रही है और हमारी गाड़ी 1:30 पे है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जिसकी गाड़ी संख्या 15127। और हम लोगों ने रात में वो मतलब दूसरे गेट से इंटर किया था, वो जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 उससे नज़दीक था और ये यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि यही मतलब मेन इंट्रेंस है बनारस का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत खूबसूरत मतलब आप सेल्फी पॉइंट भी है, आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, आई लव बनारस भी मिलेगा। आइए मैं आप लोगों को बैक कर कैमरा करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये सबसे खूबसूरत एट्रैक्टिव प्लेस है, सेल्फी पॉइंट जिसको बोल सकते हैं, आई लव बनारस। उसके बाद ये बनारस रेलवे स्टेशन क्या खूबसूरत लग रही है। मैंने जब रात में मैंने वाराणसी से आया था तो वो मुझे पीछे गेट से आया था, लेकिन वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 नज़दीक थी और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 8 नज़दीक है। कुल प्लेटफॉर्म की संख्या बनारस रेलवे स्टेशन पे 8 है और यहाँ पे पुराने ज़माने के स्टीम इंजन जो कि भारतीय रेल लिखा हुआ है और हमारे पुराने ज़माने को फिर से ताज़ा करते हुए, और यहाँ पर एक आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां
इंडिपेंडेंस डे अभी ख़त्म हो चुका है, अभी तक मतलब ये चल रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही है और ये हमारा बनारस का रेलवे स्टेशन। अब हमारी सफ़र यहाँ से शुरुआत होगी बरेली के लिए, उसके बाद हम लोग ये हमारे ब्लॉगर भाई अलसज्जात के मिस्टर शाहिद। बहुत थका थका हारा हारा जैसा लग रहा है, लेकिन अभी भी हार नहीं माने हैं गाइस। बहुत ज़्यादा हम लोग घूमे बनारस में और घूमने के बाद थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों की गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 6 से खुलेगी और टाइम देख सकते हो आप 13:07। ये रहा हम लोग की गाड़ी, ये ट्रेन नंबर हुई 15127 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 13:30 प्लेटफॉर्म संख्या 6 D4 डिपार्चर होती है। यहाँ पर चेकिंग करते हुए शाहिद, ये क्या कर रहे हो? ये चेकिंग चल रहा है बैग का, तो बैग में कुछ लेकर के तो आ नहीं रहे हैं। आप लोग भी आओगे तो ये यहाँ के गार्ड्स लोग चेक कराएंगे। हम लोग की ये चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 6 के रुख रवाना हो रहे हैं। हम लोग के साथ बने रहिए, बहुत जल्द यहाँ से हम लोग बरेली पहुँचेंगे। करीब 11 घंटे की सफ़र है, रात के 12 बजते हम लोग बरेली और सुबह दरगाह आला हज़रत का दीदार होगा। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी टाइम 3:40 हो रही है। हमने जर्नी स्टार्ट बनारस से की थी, जो कि बनारस से खुलने की टाइम थी गाड़ी की 1:30 पर, जैसे मैंने बताया था, और बरेली पहुंचने के समय 12 बजे थी, लेकिन ट्रेन लेट के कारण अभी पहुंची है। अभी टाइम 3:40 हो रही है और गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर गाइज 9°C बता रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो मोंटी, हम लोग की सफ़र कैसी रही, थोड़ा से बता दो। अच्छी रही और बहुत भीड़ भी थी ट्रेन, और उसके बाद मैं आपको बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है, हम लोग साथ बने रहें। कल हम लोग दरगाह आला हज़रत मतलब, तो मैं आप लोगों को बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ और हमारी पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों आप देख सकते हो ये बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच गए, हमारी ब्लॉक पहली यहीं ख़त्म होती है। और जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सुबह में हम लोग दरगाह आला हज़रत की ज़्यारत करेंगे, वो हमारी ये इस जर्नी की पार्ट 2 रहेगी, पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होती है। सो दोस्तों, बाय।